बिहार दरोगा 2019 के फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट ऊपर अपलोड कर दिए गए। तो यहाँ पर कट ऑफ को कंपेयर करें अपने कट ऑफ से कितना हाई गए। जैसे मैंने आप सभी के कहा था कि 17 से लेकर 20 जून के बीच में आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए जाएंगे, ठीक वैसा ही हुआ। आपका फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिया गया। सबसे पहले उन सभी को जो लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए उन सभी को बहुत बहुत बधाई हो। 2 साल का आपका मेहनत, आपका इमोशन, जो भी आपने दिया था इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, आपने अपना समय दिया, अपना इमोशन दिया, अपने फैमिली के सोशल हर तरह के जो प्रेशर थे वो सब कुछ देने के बाद फाइनली आप सभी की जीत हुई। आप सभी लोग यहाँ पर सेलेक्ट हुए हैं, तो आप सभी लोग को बहुत बहुत बधाई हो। अब आते हैं यहाँ पर कट ऑफ क्या रहे हैं इसके ऊपर। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखें टोटल रिजल्ट आपका 5,85,829 अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया था, जिनमें से प्री क्वालिफाई किया था 50,072। फिर उसके बाद 29/11/2020 के एग्जाम हुए थे प्री दो पालियों में। 16/1/2021 को रिजल्ट जारी किए गए थे मुख्य परीक्षा का परिणाम। और यहाँ पर 15,231 अभ्यर्थी यहाँ पर टोटल सफल घोषित किए गए थे। इनके साथ ही भूतपूर्व सैनिक 553 थे, जिनमें से 357 शेष रह गए। यदि बात करें यहाँ पर शारीरिक माप परीक्षा में अभ्यर्थियों को जांच 22 मार्च से स्टार्ट हुए थे, जो 12 अप्रैल तक चले थे। राजेंद्र राजकीय माध्यमिक विद्यालय पटना गर्दनी बाग में आपका फिजिकल करवाए गए थे। और यहाँ पर जो कॉल किए गए थे सभी अभ्यर्थियों के 9,924। और यहाँ पर अब्सेंट की बात करें तो 111 एक सर्विसमैन में अब्सेंट रहे। और यहाँ पर एब्सेंट की बात करें प्रेजेंट इन पीटी 8,468 लोग एग्जाम में प्रेजेंट रहे। एब्सेंट की बात करें तो सिर्फ 731 लोग, जो बताया जा रहे थे 1300 के आसपास जो लोग मेडिकल लगा रखा था, अब यहाँ पर 1300 कुछ नहीं है, सिर्फ 731 लोग मेडिकल लगा रखे थे, जिनमें से एब्सेंट यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं 731 लोग। सॉरी, ये फीमेल का है, ठीक है, ये फीमेल का। और मेल की देखें तो 1456, यानी टोटल 1800 के समथिंग, सॉरी 1600 के समथिंग टोटल लोग मेडिकल लगा रखे थे। और जो लोग यहाँ पर फिजिकल नहीं दिया, इनका सीधा अब्सेंट दिए गए और ये लोग अब्सेंट रहा। आयोग इन सभी को अब्सेंट माना। अब यहाँ पर एक तरह से कह सकते हैं सही भी है, आयोग अपने जगह पर सही है। हाँ, यहाँ पर हाई कोर्ट से कुछ फैसले आते हैं, हाई कोर्ट के पास कुछ लोगों के फेवर में आ सकते हैं, बाकी सभी लोगों के फेवर में नहीं आए। कुछ लोग यहाँ पर बेनिफिट उठा सकते हैं हाई कोर्ट से भी। यहाँ पर हाई जंप लॉन्ग जंप में डेटा दिया हुआ, ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। कट ऑफ के ऊपर देखें तो यहाँ पर टोटल सिलेक्शन, टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाइड आपको यहाँ पर दिया हुआ। मेल कैटेगरी में एसआई में सिलेक्ट हुए 4376, सार्जेंट में मेल में 199, ASJ में 4376। और यहाँ इसी तरह से दिया हुआ है डेटा, आप इस डेटा को देख सकते हैं। और आगे जो कट ऑफ है मेन, हम लोग को कट ऑफ देखना है, कट ऑफ क्या रहा इसके ऊपर आते हैं। अब आप स्क्रॉल करेंगे नीचे की ओर, आपको कट ऑफ मिल जाएंगे। हाँ, ये कट ऑफ है। जनरल की बात करें तो 75 कट ऑफ रहा है जनरल सामान्य वर्ग में। अब हम लोग बताकर चले तो 78 प्लस माइनस 2 हो सकते हैं, तो कुछ वैसा ही कट ऑफ रहा है। और फीमेल की बात करें 68.8, ठीक, आप जाकर चेकआउट कर लें, आप यहां पर देख सकते हैं जो मैंने कट ऑफ बताया था फीमेल की, तो यहां पर ठीक वैसा ही गया। आप यहां पर भी देखें EWS में भी सेम वही कट ऑफ गया जो फीमेल, बहुत सारे लोग नेगेटिव फीमेल में कॉमेंट कर रहे थे, इतने नहीं जाएंगे। तो आप यहाँ पर मिला लें, यहाँ पर एग्जैक्ट आप अनुमान लगा लें कितना कट ऑफ गया। यहाँ पर मैंने कहा था माइनस टू हो सकते हैं, 76 के आसपास रहेगा, और 74 कट ऑफ कहा था EWS के, तो ठीक वैसा ही 74 कट ऑफ गया है यहाँ पर भी। तो कट ऑफ सिमिलर गए, कुछ ज़्यादा नहीं गए, जो आपसे 65.4 गए, तो मैंने कहा था 66 के आसपास कट ऑफ रहेंगे, माइनस 0.5 कम रहेंगे, तो यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा कम है, पर फिर भी वैसा ही कट ऑफ रहा। और उसके बाद बात करें बीसी की, बीसी कैटेगरी की आप देख सकते हैं 145.6 गए, यानी 72.8 कट ऑफ गए। और ईबीसी की देखें तो 71.6 गए। और एससी की बात करें 67.6 गए। और एसटी की बात करें 70 गए कट ऑफ यहाँ पर एसटी कैटेगरी में। अब ठीक 71 मैंने बताया था एसटी कैटेगरी, कट ऑफ 71 के आसपास रहेंगे, कुछ वैसा ही कट ऑफ गया है यहाँ पर। और बाद में फ्रीडम फाइटर मैंने कम बताया था 67-68 के आसपास रहेंगे, तो ठीक वैसा ही कट ऑफ 66.1 गए फ्रीडम फाइटर में।
और कुछ वैसा ही कट ऑफ यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइनल मेरिट सिलेक्शन में कट ऑफ गए हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स हैं, जो मैंने कहा था कट ऑफ कुछ ऐसा रहने वाला है, और जहाँ पर कितना कम हो सकता है कितना ज़्यादा हो सकता है ये भी एक बारीकी तौर पर बताया था कि हाँ इतने के आसपास कट ऑफ रहेंगे। तो ठीक वैसा ही कट ऑफ यहाँ पर गया है, जैसा मैंने आप सभी को बताया था फाइनल सिलेक्शन के लिए कुछ वैसा ही कट ऑफ यहाँ पर गया है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। यहाँ पर टोटल सेलेक्ट अभ्यर्थियों के नंबर भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ करना नहीं है, रिजल्ट देखने के लिए आपको ऐप में ही सर्च करने के ऑप्शन मिल जाएंगे। 2062 अभ्यर्थी अंतिम रूप से यहाँ से चयनित हुए हैं, और कुछ अभ्यर्थी जो जिनका पहले से ही आपका जो एक्स सर्विस मैन थे 400 के समथिंग 300 के समथिंग उनका सिलेक्शन हो गया। तो टोटल यहाँ पर काउंट, तो ये कुछ रिजल्ट है। आप यहाँ पर रिजल्ट चेक करने के लिए सिर्फ यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन है, इसमें आपका रोल नंबर फिल करना है। रोल नंबर फिल करने के बाद आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं रिजल्ट को। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।